If you, अगर आप किसी के प्राण के बुनियादी नक्शे को पढ़ते हैं तो आपको उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य पता चल जाता है, उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ, क्योंकि एक तरह से आपका जीवन बस आपकी ऊर्जाओं की एक अभिव्यक्ति है कि वो किस तरह काम करती है। तो यौगिक प्रणाली के साथ हम अपनी ऊर्जाओं के काम करने के तरीके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें अचेतन तरीके से चीजों का दोहराव हो रहा है, या अभी आपके पास जो यादों का भंडार है या आपका जो कार्मिक ढांचा है वो इसे काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ऊर्जा की गति उसी के अनुसार हो रही है। अब अगर हम इसे देखें, भूल जाइए कि ये किसका चित्र है, ठीक है? ये ऊर्जा एक्सरे की तरह है, तुरंत काम में लेने के लिए। हम एक कहीं ज्यादा विस्तृत चित्र बना सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ज्यादा भागीदारी की जरूरत होगी। ये तुरंत काम में लेने के लिए है। तो अब अगर आप इस चित्र को देखें तो आप पाएंगे कि मूलाधार थोड़ा असंतुलित है, इस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। स्वाधिष्ठान ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन ठीक है। मणिपूरक अच्छा है। अनहत उलझन में है। आप जानते हैं ये क्या है? आप जानते हैं कि कौन सा चक्र कौन सा है? अनहत उलझन में है और कुछ ऐसा है। विशुद्धि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप जैसे पैदा हुए थे ये वैसा ही है। आज्ञा ठीक है, स्थिर है, कुछ खास नहीं है, लेकिन संभावना मौजूद है। मेरे ख्याल से भावनाओं के एक लगातार बन रहे पैटर्न के कारण तंत्र थोड़ा तिरछा हो गया है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। हठ योग करने के लिए बिल्कुल सही चीज है। अगर आप ठीक से हठ योग करती हैं तो आपके ऊर्जा तंत्र में जो थोड़ा तिरछापन आ गया है वो स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। तंत्र विद्या जानने वाले लोग अगर किसी को नष्ट करना चाहते हैं तो वो उसमें प्राण की कमी पैदा कर देंगे, वो इंसान बिखर जाएगा। अगर आप किसी के प्राणों की बनावट समझते हैं तो आप उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य जान जाते हैं। अनाहत का यहां होना जरूरी नहीं है। आप अनाहत को अपने हाथ में लाएं और बस किसी को छू लें, उनमें प्रेम का विस्फोट हो जाएगा। अगर किसी को अपने विशुद्धि चक्र पर कुछ महारत हासिल है तो उसका पूरा आभा मंडल नीला हो जाएगा। यह ऐसी आभा है जिसकी मदद से आप दुनिया में ऐसे काम कर सकते हैं कि दूसरे आपको महामानव समझते हैं, इसीलिए शिव ऐसे दिखते हैं। तंत्र की कुछ प्रणालियां हैं, विशेष रूप से मध्य एशिया में जिप्सियों के कुछ समूह थे। 2.5 से 3 घंटे में वो एक सेब का बीज लगाकर फल से भरपूर पेड़ उगा देते थे। कुंडलिनी ऐसा आयाम है, इसमें तब तक दखल नहीं देनी चाहिए जब तक कि आप वाकई काबिल ना हों।